हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल SMII पे। इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके नंबर्स कैसे रहे हैं और आने वाले टाइम में इस कंपनी के क्या टारगेट्स रह सकते हैं। द इन्फोसिस लॉग्स फास्टेस्ट ग्रोथ इन द क्वार्टर वन इन ए डिकेड। तो आप देख सकते हो इसके नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसके नंबर जो हैं वो देख लेते हैं। द इंडियाज ला सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी दैट इज इन्फोसिस हैज़ डिक्लेयर्ड द क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 22 रिजल्ट ऑन वेडनेसडे। तो इस कंपनी ने अपने जो है फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हुए हैं। यदि हम इसका नेट प्रॉफिट देखें इन द क्वार्टर वन, तो दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी 5,195 करोड़। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज ₹4,233 करोड़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 22% से भी ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यदि हम इस कंपनी की लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देखें तो दैट वाज 5,078 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में देखी गई है। यदि हम इस कंपनी का नेट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस देखें तो दैट हैज़ बिन इंक्रीज टू ₹27,896 करोड़। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इस कंपनी का जो नेट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था दैट वाज ₹23,665 करोड़। तो यहाँ पे 18% की ग्रोथ जो है वो देखने गई है ऑन ईयर बेसिस। एंड दिस हैज़ बिन इंक्रीज बाई 6% ऑन क्वार्टर बेसिस फ्रॉम ₹26,311 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि हम इस कंपनी का डॉलर रेवेन्यू देखें तो दैट हैज़ बिन ऑल्सो इंक्रीज बाई 4.7% $3,782 मिलियंस एज अगेंस्ट $3,613 मिलियन ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इस इन्फोसिस का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़िया ग्रोथ शो कर रहा है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। द IT कंपनीज कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू हैज़ आल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ 4.8% ऑन ए क्वार्टर बेसिस एंड 16.9% ऑन ए ईयरली बेसिस। एंड द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ द फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 23.7%। तो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम इसके डील विंस एंड इस कंपनी का जो न्यू क्लाइंट एडिशन है उसमें देख लेते हैं। द इन्फोसिस हैज सेड दैट इट्स लार्ज डील फ्लोज रिमेन स्ट्रॉन्ग विद TCV ऑफ $2.6 बिलियन इन द क्वार्टर वन। इट एडेड न्यू टू क्लाइंट्स इन द $100 मिलियन कैटेगरी एंड 12 न्यू क्लाइंट्स इन द $10 मिलियन कैटेगरी। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया न्यू क्लाइंट एडिशन भी देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब हम इस कंपनी का BFSI एंड रिटेल सर्विसेज वर्टिकल की ग्रोथ देख लेते हैं। तो ये भी 33% एंड 15% की ग्रोथ देखी गई है। यदि हम जियोग्राफीज में देखें तो नॉर्थ अमेरिका में 61.7% की ग्रोथ देखी गई है, यूरोप में 24% की ग्रोथ देखी गई है और इंडिया में 2.9% की ग्रोथ देखी गई है ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी हाइएस्ट ग्रोथ जो है वो देखी गई है। ड्रिवन बाई द डेडिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ट्रस्ट ऑफ अवर क्लाइंट्स वी ग्रू एट द फास्टेस्ट पेस इन द क्वार्टर वन इन ए डिकेड एट 16.9% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 4.8% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन ए कॉन्स्टेंट करेंसी। दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस इन इंक्रीजिंग अवर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस टू 14-16%। दिस हैज़ बिन सेड बाई द CEO ऑफ द कंपनी दैट इज सलील परेख। तो सलील परेख बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये कंपनी की और बढ़िया ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड, देयर एम्प्लॉयज आर वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड दे हैव वेरी ट्रस्टेड क्लाइंट्स। तो इन्होंने अपना क्लाइंट्स का बहुत ही ट्रस्ट मेंटेन किया हुआ है, इसलिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकल कर आ रही है और इस बार की जो ग्रोथ है दैट इज फास्टेस्ट इन द क्वार्टर इन ए डिकेड। यहाँ पे कुछ और भी कमेंट्री आई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। द इन्फोसिस आल्सो गोइंग टू एड न्यू कॉलेज ग्रेजुएट्स दैट इज नियरली दे आर गोइंग टू हायर 35,000 न्यू ग्रेजुएट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 22 टू ग्लोबली। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस
कंपनी की जो है न्यू क्लाइंट्स जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनको ऑडिशन करने जा रही है। एज द डिमांड फॉर द डिजिटल टैलेंट एक्सप्लोर्स राइजिंग एट्रिशन इन द इंडस्ट्री पोजेस द नियर टर्म चैलेंजेस वी प्लान टू मीट द डिमांड बाई एक्सपेंडिंग अवर हायरिंग प्रोग्राम। तो ये जो कंपनी है अपने हायरिंग प्रोग्राम को भी इंक्रीज करने जा रही है। वेयर एज द वॉलंटरी एट्रिशन इन द IT सर्विसेज एट द इंफोसिस रोज टू 13.9% इन द जून क्वार्टर एज कम्पेयर टू 10.9% इन द मार्च क्वार्टर। तो आज के दिन इसका यदि हम इसका का स्टॉक की प्राइस देखें तो दिस हैज़ बिन क्लोज 2.10% हायर एंड इट हैज़ क्लोज एट 1577 APs। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है आज इस कंपनी आज आईटी की कंपनीज के स्टॉक में बहुत ही अच्छी तेज़ी थी। तो इंफोसिस में भी बहुत ही अच्छी तेज़ी देखी गई है, 2.10% की तेज़ी देखी गई है क्योंकि इस कंपनी के जो रिजल्ट्स थे दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव और ऐसा ही हुआ है। जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस, दे आर शोइंग फास्टेस्ट ग्रोथ इन द डिकेड। तो इसलिए आने वाले टाइम में इस कंपनी में और भी बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। आप नियर टर्म जो इसका टारगेट है वो 2000 का लेके चल सकते हो, 1 ईयर टारगेट में 2000 का लेके इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हो, बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट अब पॉसिबल है, कल के दिन भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही सकती है। ये जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया कंपनी निकल कर आ रही है, इसके नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं और इस कंपनी के जो आने वाले टाइम में जो टारगेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। तो इसके नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं, इसका इम्पैक्ट इसके स्टॉक पे भी देखा जाएगा। आने वाले टाइम में इसके स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के दिन हमने पहले भी 2 वीडियोस पब्लिश कर दी हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इन्फोसिस का रिजल्ट्स बहुत ही बेसब्री से जो था देखा जा रहा था, आज के दिन इसका रिजल्ट आया है और बहुत ही नंबर्स पॉजिटिव रहे हैं। जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं आने वाले टाइम में उनको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनको बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स भी मिलेंगी। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद द न्यू वीडियो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।